मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज हम प्रश्नावली करेंगे ज्यामिति की, जो यूनिट है उसमें 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं और 14वीं, ये इतनी प्रश्नावली है। तो ये टोटल है वो 20 नंबर की है। तो 20 मार्क्स के अंदर जो अंक डिवाइड है इसके, तो 20 नंबर में 10, 11, 12, 13 ये प्रश्नावली है वो 17 नंबर की है, और 14वीं प्रश्नावली वो 3 नंबर की है। इन 17 नंबर के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक तो क्वेश्चन आएगा 7वां और 8वां, ये दोनों क्वेश्चन तो एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 19, 20 और 21, ये तीनों क्वेश्चन होंगे तीन तीन नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन आएगा 29वां, तो ये क्वेश्चन होगा 6 नंबर का अथवा में आएगा। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें ये मार्क्स है वो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो एक एक नंबर के जो दो क्वेश्चन आते हैं वो इन तीनों 10, 11, 12, 13 जो प्रश्नावली है इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन छोटे छोटे दो पूछे जाते हैं, जिनमें कोई डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला है वो उसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन इनमें दे दिया जाता है एक नंबर के अंदर। उसके बाद तीन तीन नंबर के तीन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है वो अथवा में आता है। तो ये मोस्टली कई बार जो क्वेश्चन है, पिछली बार तो आया था वो 12वीं और 13वीं प्रश्नावली से आया था, और उससे पिछले साल जो आया था 11वीं और 12वीं प्रश्नावली से 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर, इनमें ये अंक इनके डिवाइड है, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं आता है। तो सबसे पहले अपन प्रश्नावली लेते हैं, प्रश्नावली 10। तो 10वीं प्रश्नावली के अंदर प्रश्नावली का नाम है बिंदुपथ। तो बिंदुपथ क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। बिंदुपथ है ये बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो कि किसी भी शर्त को संतुष्ट करता है। जैसे आपको वर्थ की जैसे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो किसी समतल के अंदर जैसे एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से अगर आपने कोई भी समान दूरी पे, जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी एक निश्चित दूरी लेकर के, तो आपने मान लो वो निश्चित दूरी आर ले ली है, निश्चित दूरी पर लेकर के आपने जैसे बहुत सारे ये बिंदुओं का ऐसे समुच्चय बनाओगे आप, तो उन बिंदुओं को मिलाने के बाद में जो पथ बनेगा वो बिंदुपथ है। और उस निश्चित बिंदु से उस जो पथ है उसके बीच की जो दूरी होगी उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो वर्थ है वो, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसी समतल के अंदर एक बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, तो ये बिंदुपथ कहलाता है। अब इसके अंदर जो एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक नंबर वाले प्रश्न के अंदर ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि समतल के अंदर दो समांतर लाइन से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए। तो अगर दोनों लाइन ये समांतर है, पैरेलल है ये दोनों लाइन, तो इन दोनों से समान दूरी, कई बार तो लैंग्वेज में कह देगा बराबर दूरी पर रहने वाले, या कई बार कह सकते हैं बराबर दूरी डी पर रहने वाले, या बराबर दूरी 2 सेंटीमीटर पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए। तो उस कंडीशन के अंदर अगर जिसका बिंदुपथ पूछा है तो वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, मान लो वो बराबर दूरी है, डिस्टेंस है वो डी है दोनों से, तो बराबर दूरी पर रहने वाले जो बिंदुओं का ये बिंदुपथ बनेगा, तो ये तीसरी लाइन बनेगी, मान लो इन दोनों लाइनों का नाम अल और अम है समांतर लाइन, और तीसरी लाइन जो बन गई है वो अन बन गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन दोनों समांतर लाइनों के ही समांतर एक लाइन हो जाएगी जो कि इन दोनों के समांतर होगी। तो इस तरह से एक नंबर का प्रश्न ये पूछ सकता है। अब इसके अंदर एक जो प्रमेय है तो वो प्रमेय बहुत कम पूछता है, उस प्रमेय की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग वो एक नंबर का क्वेश्चन पिछले साल भी बनाया था उसने, उससे पिछले साल भी एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जैसे दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं से अगर बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है कि अगर 2 पॉइंट है तो उनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका आपको लक्ष्य पूछ लेगा। तो अगर दो पॉइंटों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, जैसे इन दोनों से बराबर दूरी पर ये बिंदु था, मान लो ये बिंदु लिया वो इससे बराबर दूरी पर है, ये बिंदु लिया ये ए और बी बिंदु नाम दे देते हैं इनका, ये इससे बराबर दूरी पर है, ये बिंदु लिया इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो इस तरह से आप बराबर दूरी पर जो बिंदु ये सभी लिए हैं अपन ने, और इनको अगर आप मिलाते हो तो इनका जो बिंदुपथ बनेगा वो क्या होगा, ये जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, ए व बी को मिलाने वाली लाइन का
लंब भी होगा और इसको समद्विभाजित भी करेगा। तो प्रश्न की लैंग्वेज ये होगी कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो आंसर क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो उन दोनों पॉइंट को जॉइंट करने वाली लाइन सेगमेंट का। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो ए बी और सी डी है। इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। कि एक पॉइंट है जो टू इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका लॉक्स क्या होगा कि इन दोनों लाइनों को मिलाने पर जो इनके बीच का कोण बनेगा, जैसे ये बिंदु है वो इनसे बराबर दूरी पर है, ये बराबर दूरी पर है, ये बराबर दूरी पर है, ये बिंदु बराबर दूरी पर है, तो इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनेगा वो क्या होगा कि इन दोनों लाइनों के द्वारा जो निर्मित कोण होगा उस कोण का अर्धक कह सकते हो, समद्विभाजक कह सकते हो। इंग्लिश के अंदर वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। एंगल बिटवीन ए मेड ए बी एंड सी डी, जो ए बी और सी डी के द्वारा जो एंगल बना है वो उसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये वन और टू है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये प्रश्न एक नंबर में पूछ लेता है। तो दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। अब अपन आगे बात करते हैं अंतःकेंद्र और परिकेंद्र, इनपे जो छोटे प्रश्न बनाता है, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र ये दो क्वेश्चनों के आंसर होंगे। तो कौन से, एक वो प्रश्न कह देगा कि त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष होंगे उनसे बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। अदरवाइज दूसरा जो क्वेश्चन देगा वो कहेगा कि इस त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक बिंदु को क्या कहते हैं। तो इन दोनों का एक आंसर होगा, वो होगा परिकेंद्र। क्योंकि आप जब परिगत वर्त खींचते हो चौदहवीं प्रश्न वाली के अंदर, तो जो ये परिकेंद्र होता है वो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पे होता है, तो ये इसका वर्त का क्या मान जाएगा, केंद्र मान जाएगा। और ये वर्त इस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, तो इसलिए परिगत वर्त का क्या हो जाएगा, केंद्र। और परिगत वर्त के केंद्र को अपन बोलते हैं परिकेंद्र, सर्कुलर सेंटर बोलते हैं। अब आगे जो प्रश्न है, इस आंसर के दो क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, और दूसरा होगा कि त्रिभुज में कोणों के समद्विभाजक के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं। तो आप चौदहवीं प्रश्नावली में इन कोणों का समद्विभाजक जब खींचते हो, तो कोणों का समद्विभाजक ऐसे खींचने के बाद जो ये पॉइंट आप प्राप्त करते हो, तो ये पॉइंट क्या होता है कि इनके तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है। तो ये यहां जो अंतर्वर्तमण है त्रिभुज के अंदर, तो इसकी ये तीनों ही क्या है, त्रिज्या है। तो तीनों त्रिज्या है, तो ये इसका केंद्र है। तो अंतर्वर्त के जो ये केंद्र है, त्रिभुज के अंदर बने हुए का, तो इसे बोलते हैं अंतःकेंद्र, इन सेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से अंतःकेंद्र जिसका आंसर है वो दो क्वेश्चन इसके बनेंगे, इसी तरह वो परिकेंद्र के दो क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। अब जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो आगे अपने माध्यिकाओं पे, शीर्ष लंब पे, ये अपन इन पे बात करते हैं। तो आगे जो ये प्रश्नावली है, ये पूरी प्रश्नावली के अंदर अपने माध्यिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो माध्यिका की डेफिनेशन क्या होती है कि त्रिभुज के अंदर शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। जैसे यहां अगर ए डी माध्यिका है, तो डी है वो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की माध्यिका ए डी बी ई और सी एफ, जिस बिंदु पर ये तीनों मिलती है उसके संगामी बिंदु को क्या बोलते हैं, उसके संगामी बिंदु को अपन बोलते हैं गुणतो केंद्र भी बोल सकते हैं, या इसके संगामी बिंदु को केंद्रक भी बोलते हैं, तो इसको सेंट्रोइड बोला जाता है। अब इसके बाद में जो प्रश्न बनाता है, ये जैसे अपन ने तीनों इसको माध्यिका ले लिया, तब इस पॉइंट को अपन बोलेंगे केंद्रक बोलेंगे। अब अगर ये तीनों ए डी बी और सी एफ इसके शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब। अगर ये तीनों शीर्ष लंब होते हैं, तो शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। अगर ए डी बी और सी एफ शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब के जो संगामी बिंदु को क्या बोलेंगे, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र बोलेंगे। तो ये हो जाएगा लंब केंद्र। अब अगर ये ए डी बी और सी एफ इन पे लंब भी है और इनको समद्विभाजित भी कर रहे हैं, यानी बाइसेक्टर भी है और इनके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो इन दोनों कंडीशन में ये क्या हो जाएगा,
ये पॉइंट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, जब ये लंब संधिभाजक आप इस पे खींचते हो तो वो क्या होता है, उसका परिकेंद्र होता है। तो इस तरह से इनके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो इस तरह लैंग्वेज में पूछ सकता है। आगे जो एक नंबर का क्वेश्चन बनाता है वो है कि समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। तो ये प्लेन है, इस पे ये एक रोलिंग हो रहा है सर्कल, तो इसके सेंटर का जो आपको ब्लॉक्स पूछेगा तो इसके केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। जैसे ये वर्त यहाँ पे था, अब आगे लुढ़कने के बाद ये वर्त यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से ये जिस भी पॉइंट पे ये वर्त आया है तो उसके बाद उस कंडीशन में इनके केंद्रों को मिलाओगे तो ये इस तरह से लाइन इसकी खींची जाएगी। तो उन बिंदुओं को मिलाने पे जो ये लाइन बनेगी वो लाइन क्या होगी, उस समतल के समांतर ही रेखा होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्त जो कि समतल पे लुढ़क रहा है तो उसके केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, समतल के समांतर एक लाइन, ए पैरेलल लाइन है विच इज पैरेलल टू प्लेन, जो कि एक प्लेन के पैरेलल होगी। तो इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन है कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ बताइए। जो घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है, जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट से जो ये पेंडुलम है वो इस एक फिक्स डिस्टेंस पे ऐसे रोलिंग करता है, वो जैसे इतनी डिस्टेंस पर ऐसे ये घूमता रहता है। तो घड़ी का जो पेंडुलम है उसके पेंडुलम के जो सिरे का बिंदु पथ क्या होगा कि ये अगर ऐसे पूरा घूमता है ये, तो ये एक वर्त बना लेता है और उस वर्त का जो परिधि का जो छोटा अंश होता है उसको अपन वर्त का चाप बोलते हैं। तो ये चाप यानी आर्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्त का चाप, एक आर्क ऑफ ए सर्कल, एक जो सर्कल है उसका ये चाप बन जाएगा। अब उसके बाद एक नंबर का ये क्वेश्चन बनाता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर अगर दो माध्यिकाएं बराबर हो तो इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं। ये अपने उदाहरण भी है वो अपन सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज की अगर दो माध्यिका बराबर होती है तो उस त्रिभुज को अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज में तीनों माध्यिका बराबर हो, तीनों माध्यिका बराबर हो तो उस त्रिभुज को अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों मीडियन इक्वल हो तो उसे अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे, अगर दो मीडियन इक्वल हो तो उसे अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। अब आगे एक ये प्रमेय है प्रश्नावली के दसवीं के अंदर, इस प्रमेय पे बेस्ट सारे क्वेश्चन है जो कि मेन मेन क्वेश्चन है प्रश्नावली के, चाहे उदाहरण 10.2 से पहले। तो इस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, जो ये तीनों मीडियन है, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे वो मिलती है, तो वह बिंदु उन तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, 2:7 में उनको डिवाइड करता है। तो ये अपने को प्रमेय में सिद्ध करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपन क्वेश्चनों में डायरेक्टली काम में लेंगे तो उनके लिए आपको अनुपात ध्यान होना चाहिए। पूरे 10.2 प्रश्नावली के उदाहरण और क्वेश्चन वो सारे इस प्रमेय पे बेस्ड है, इसलिए इसके जो भी अनुपात बनते हैं तो वो अनुपात अगर आपको ध्यान है, एडी का अनुपात एजी के साथ कितना है, बीजी का अनुपात बी के साथ कितना है, इस तरह से अगर जो आपको रेशियो ध्यान है तो आप प्रश्नावली और उदाहरण सारे कर सकते हैं। तो उनको अपने एक ऐसे ट्रिक से समझते हैं कि आपको जब इन तीनों माध्यिकाओं के अंदर अनुपात पूछेगा तो जहां से शुरू होता है ये माध्यिका वो वाला अनुपात 2 होता है और उसके बाद आगे वाले पॉइंट जी से आगे तक वो 1:1 में होता है, जहां से स्टार्टिंग होता है वहां से 2:1 और आगे लास्ट वाले पे 1 होता है। तो ये सी से शुरू होता है 2:1 ये 1 में ये डिवाइड होता है। जैसे पूरी मान लो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर तो एजी होगी और जीडी होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसका अनुपात अपने ये जो प्रमेय सिद्ध करवाता है वो प्रमेय का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये अनुपात बनता है एजी बटा में जीडी का अनुपात कितना है। देखो एजी कितना है, 2:1। तो ये अनुपात आपको ध्यान होना चाहिए, ये अनुपात किस किस का है वो तीनों ही लिख देते हैं अपन। ये अनुपात और किसका होगा, बीजी बटा में जी ई का होगा, बीजी बटा में जी ई का होगा, इधर सीजी बटा में जी एफ का होगा। तो सीजी बटा में जी एफ का अनुपात कितना होगा, 2:1। तो इन तीनों पे बेस्ट आगे उदाहरण में जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक की वैल्यू देगा दूसरे की वैल्यू निकालनी है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे एजी का मान दे दिया और जीडी का निकालना है, तो एजी बटा जीडी बराबर 2:1 रख दोगे, उससे आप वजन गुणा करके निकाल लोगे। उसके अलावा आपको एजी का मान अगर जीडी के पदों में चाहिए तो एजी बराबर क्या हो जाएगा, जीडी इधर गुणा में चला जाएगा तो 2 जीडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका पक्षांतरण करके भी इसमें रिलेशन प्राप्त कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं जैसे युगांतर अनुपात अगर आपने लगा ली तो उसके बाद एजी का अनुपात
इस AG का अनुपात पूरी AD के साथ कितना होगा? पूरी AD के साथ कितना होगा? BG का अनुपात पूरा BE के साथ कितना होगा? BG बटा में BE के साथ कितना होगा? CG का अनुपात पूरी CF के साथ कितना होगा? CF के साथ कितना होगा? देखो AG, BG और CG ऊपर वालों में देखो कितना रेशियो इनका टू पार्ट है, तो ये हो जाएगा दो। अब एक ट्रिक से करते हैं, वैसे इसमें युगांतर अनुपात में लगकर होता है, लेकिन ट्रिक से जैसे AD का मान निकालना है तो AD में ये दो और ये एक मिलके कितना हो गया? पूरा तीन हो गया। तो ये पूरा कितना आ जाएगा? रेशियो में तीन आ जाएगा। तो AG और AD का अनुपात, BG और BE का अनुपात, CG अनुपात, CF का अनुपात कितना होगा? दो अनुपात तीन। अब इस पे जो उदाहरण है, प्रश्नावली के क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, AG का मान AD के पदों में पूछेगा। तो इस पे अपन कैसे निकालेंगे वो, कि जैसे AG बटा AD का मान कितना है? AG बटा में AD का मान है 2/3। तो AG का मान निकालना है आपको, तो AD भाग से गुणा में चला जाएगा, तो 2/3 AD हो जाएगा। तो इस तरह से अपन AG का मान AD के पदों में निकाल लिया। अगर आपको AD का मान है वो AG के पदों में चाहिए, तो ये 2/3 इधर आके 3/2 बन जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 AD हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक से, तो अभी अपन ने यहाँ पे AG और AD का अनुपात निकाल लिया था, AG अपॉन पूरा AD निकाल लिया है। अब अपने इनका जो छोटे वाला भाग है, GD का अनुपात AG के साथ, GE का अनुपात BG के साथ, और GF का अनुपात पूरी CF के साथ ज्ञात करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, GD बटा में AD बराबर GE बटा में BE बराबर GF बटा में CF। तो ये GD, GE और GF ये कितने पार्ट है इनके, ये रेशियो में वन है, तो ये हो जाएगा अंश में, तो हो जाएगा एक। AD, BE और CF ये पूरा कितना है, ये रेशियो में ये तीन है, तो ये हो जाएगा टोटल तीन। तो ये आ जाएगा 1:3। तो एक ये आपको याद रहना चाहिए। तो पूरी प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर एक तो इस रेशियो पे, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करना हुआ, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उसमें ये अनुपात और ये अनुपात अगर आपको ध्यान है तो आप सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब AG का अनुपात AD के साथ कितना है, GD का अनुपात AD के साथ कितना है, अगर ये ध्यान है तो GD बटा AD 1/3 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर GD बटा AD से AD का जो रेशियो है वो कितना है, 1/3 है। तो आप GD का मान AD के पदों में निकालते हो, तो AD ये भाग से इधर गुणा में चला जाएगा, तो 1/3 AD हो जाएगा। तो इस तरह से अपने प्रश्नावली में क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो इन तीनों के बराबर ही 1/3 है, इन तीनों के बराबर 2:1 है, इन तीनों के बराबर 2:3 है। तो ये अनुपात अगर आपको ध्यान है तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से हो सकते हैं। ये आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं कि AG अनुपात GD जो है वो है 2:1 के थ्योरम में है सिद्ध किया हुआ। उसके बाद BG अनुपात GE का भी 2:1, CG अनुपात GF का अनुपात भी 2:1। अब AG अनुपात पूरा AD लेते हो आप, तो पूरा AD कितना है, ये 3 है, AG कितना है, ये 2 है। तो AG बटा AD, BG बटा BE, CG बटा CF का अनुपात कितना होगा, 2/3 होगा, 2:3 होगा। अब जैसे आपको इन तीनों से ही, उनमें से मैंने पहला ले लिया, ऐसे आप दूसरा तीसरा लेकर के कोई से भी मान निकाल सकते हो। AG बटा AD का मान कितना है, 2:3 में है, तो आप AG का मान AD के पदों में निकालना चाहते हो, तो ये AD इधर गुणा भाग से इधर गुणा में जाएगा, तो AG बराबर क्या हो गया, 2/3 AD हो गया। तो ये ऐसा रिलेशन अपन उदाहरणों में प्रश्नावली में यूज करेंगे। इसी तरह से GD अनुपात AD, GE अनुपात BE, GF अनुपात CF ये कितना होगा, देखो ये पार्ट है वो तो 1:1 में है, तो ये 1:3 पूरा कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 1:3। अब GD बटा AD से जैसे आपको GD का मान AD के पदों में निकालना है, तो GD बटा AD कितना है, 1/3, तो GD का मान हो गया 1/3, AD ये भाग था तो भाग से इधर गुणा में चला गया। तो इस तरह से अगर ये तीनों के तीनों अनुपात जो मैंने इनको राइट किया है, ये अगर तीनों के तीनों अनुपात आते हैं, तो आप इस प्रश्नावली के बड़े क्वेश्चन भी है जो कि 6 नंबर में आ सकते हैं, और 3 नंबर के 20 साल आने के पूरे चांसेस है, तो वो क्वेश्चन अपन लेंगे जो कि 3 और 6 नंबर में मोस्ट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर प्रश्नावली 10.2 का उदाहरण नंबर 1 है, तो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपन करते हैं।
जो कि 3 नंबर में पूछ सकता है, ये पूछा हुआ भी बोर्ड एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर। तो इसमें आपको ये जो तीनों रेशियो है जो मैंने बताए थे वो तीनों आपको ये याद होने चाहिए। अगर ये तीनों आपको याद है तो प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है तीनों बाधी का जीव पर प्रतिच्छेद करती है और ए जी बी ई और सी एफ का मान दिया हुआ है और ए डी जी और जी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वो सेम की सेम वैल्यू भी दे सकता है या यहाँ पे मान लो पॉइंट में थोड़ा सा वैल्यू कठिन आ रहा है कैलकुलेशन में तो वो आसान बना करके इनकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में पूछा जाएगा क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछेगा वो। तो इसके लिए आपको ये अनुपात ध्यान होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ए जी का मान दिया हुआ है, AG का मान दिया हुआ है और इन तीनों में से AG के साथ किसका रिलेशन है, AD का है। तो आप AG और AD में क्या अनुपात है, AG और AD में AG बटा AD का अनुपात कितना है, AG बटा AD का अनुपात कितना है, 2:3 का है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको जो मान दिया गया है AG का मान दिया गया है, AG का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, BE का मान कितना है 12.6 सेंटीमीटर है और अब C का मान या CF भी बोल सकते हैं वो, अब C का मान है 3 सेंटीमीटर। अब जो आपको पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो हम जानते हैं या फिर आप युगांतर अनुपात प्रमेय लगा करके भी आपको अनुपात, तो मेन तो ये अनुपात है, ये अनुपात है, उसके बाद ये दोनों तो युगांतर अनुपात प्रमेय से बने हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज योगांतर अनुपात प्रमेय लगा करके आप AG बटा AD का मान निकाल सकते हैं। तो AG का मान 6 है तो AG का AD के साथ क्या रेशियो है, AG बटा में AD। तो AG बटा AD कितना है 2:3 है तो ये 2:3 हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपको मान दिया गया है वो मान लिख देंगे। तो AG का मान तो दिया गया है तो 6 बटा AD का मान ज्ञात करना है, बराबर कितना है 2:3। अब इनका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो AD का गुणा तो होगा 2 से तो 2AD हो गया, 3 का गुणा होगा 6 से तो 3 × 6 हो गया 18। अब आपको AD का मान निकालना है तो AD बराबर 18/2 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो आ गया AD का मान। अब दूसरा जो पूछा है BE का मान दिया हुआ है और BE के साथ किसका रिलेशन होता है GE का, तो BE और GE ये अनुपात कितना है 1:3। तो ये वाला अनुपात अपन लिख देंगे GE बटा में BE। आप उनका व्युत्क्रम भी लिख सकते हो, देखो GE बटा BE कितना है 1:3, आप चाहो तो BE बटा GE लिख सकते हो 3:1। तो इसका अनुपात अपन लिख देंगे तो GE का मान तो आपको ज्ञात करना है, BE का मान दिया हुआ है तो GE बटा में BE का मान कितना है 12.6 बराबर कितना है 1:3। वज्र गुणा करेंगे तो 3 का गुणा GE से होगा तो 3GE बराबर 12.6। अब 3 × 1 में है तो भाग में जाएगा तो GE बराबर हो गया 12.6/3, 3 का भाग जाएगा तो 3 × 12 = 4 और 3 × 6 ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अब अगला पूछा है लास्ट GC और इधर दे रखा है GF या FG का मान। तो GC और FG के अंदर GC ये है और FG ये है, तो इन दोनों में क्या अनुपात होता है कि CG बटा GF कितना होता है, CG बटा GF होता है 2:1। तो CG बटा में GF या FG कितना होता है 2:1। तो आपको यहाँ मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है FG का, पूछा किसका है CG का, तो CG का मान तो आपको ज्ञात करना है, FG का मान कितना दिया हुआ है 3 = 2:1। तो वज्र गुणा होगा तो CG का तो 1 से गुणा होगा तो CG 2 का 3 से गुणा होगा तो 2 × 3 कितना हो गया CG बराबर हो गया 6 सेमी। तो इस तरह आपको कोई भी मान जो इन अनुपात में से इन दोनों में से एक मान दे करके दूसरा मान आपसे फाइंड आउट करवाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे प्रश्नावली में दूसरा और 7वां है, सेम ये का ये प्रोसेस है, आपको ये अनुपात ध्यान रखना है उसके अकॉर्डिंग सारे मान आप उससे निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, आ सकता है 3 नंबर के अंदर।